सॉरी आज है मंडे, सावन का पहला सोमवार, मैंने फास्ट रखा है सावन का पहले सोमवार पर। सो आई एम ऑल सेट फॉर द डे नाउ और अभी चलते हैं डायरेक्ट कॉलेज और लेट्स स्टार्ट द डे। धूप निकल रही है, हवा तो चल रही है मगर बहुत तेज़ धूप है, तो बहुत गर्मी का मौसम रहने वाला है आज पूरे दिन। पूजा भी कर ली थी, सो अभी मैं जल्दी से बैग पैक कर लेती हूँ फिर चलते हैं। हे गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 4:45, मैं आ गई कॉलेज से। सो आज है मेरा फास्ट, तो अभी मैं चेंज करके जाती हूँ डायरेक्टली शिव मंदिर, और बराबर में ये मंदिर है जैसे कि आपको पता है, मैं यूजली वहीं उसी मंदिर में जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे सारे भगवान जी भी हैं। तो अभी मैं पहले चेंज कर लेती हूँ और फिर चलते हैं फिर बाद में मंदिर। मेरी रूममेट भी जाएगी, तो अभी तो वो आई नहीं है कॉलेज से, जैसे वो आ जाएगी तो फिर हम दोनों मंदिर जाएंगे, वहाँ से राखी भी आ जाएगी श्योर। और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ अभी रूममेट के आने के लिए, उसके आने के बाद ही हम मंदिर जाएंगे क्योंकि वो मेरे साथ जाने वाली है और साथ ही राखी। अभी टाइम वैसे भी 5:15 ही हो रहा है, ठीक है, मंदिर जाने का टाइम तो लगभग 6:45 या 7 बजे तक ही होता है, ठीक है। सो अभी उसके आने का वेट कर रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ चाय पी लूँ, मेरा मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट हुआ था, ठीक है, सो उसमें पूरा दिन निकल गया, ठीक है। इधर बैठना है सेकंड फ्लोर, आई यूज्ड टू सीट देयर ऑन सेकंड फ्लोर, बट अभी मेरी सीट चेंज करके डिपार्टमेंटल वाइज ऑप्शन गायनी की 3rd फ्लोर पर शिफ्ट कर दी है। सो अभी हमारी सीटिंग्स होने वाली है 3rd फ्लोर पर कल से रेगुलर, ठीक है। मतलब सीट्स मैंने आज सारा अपना सामान उसमें शिफ्ट कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो कल से रेगुलरली हम 3rd फ्लोर पर शिफ्ट होने वाले हैं, बैठने वाले हैं, ठीक है। सो बस यही चला आज पूरे दिन कॉलेज, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। सो अभी मैं फ़िलहाल नीचे जाके चाय लेकर आती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है उसको सॉल्व, फिर चलते हैं, तब तक रूममेट भी आ जाएगी, फिर चलते हैं मंदिर। और बहुत ही प्यारी इसमें ड्रेस है, सो मैं दिखा दी अनबॉक्स करके। अभी हम आ चुके हैं मार्केट से, मतलब वी आर जस्ट ऑन आवर वे, अभी मैं जा रही हूँ वापस हॉस्टल। तो अभी टाइम हो रहा है 5 और हॉस्टल में जाने के बाद भी कुछ ऑफिशियल वर्क है उसको कंप्लीट करना है। सो गाइज, एक्चुअली हमारे प्लान में भी थोड़ा सा चेंज आया है कि अभी हम मैं डायरेक्ट अभी हॉस्टल ही जा रही हूँ, हम जा रहे हैं अभी एक रेस्टोरेंट पर, वहाँ पे थोड़ा सा लंच वगैरह करेंगे क्योंकि अभी हमें लंच भी नहीं किया है।